My Bollywood journey was actually, it was not very interesting, but the thing is that I never wanted to be an actor. So my journey started when I was in college second year, right? So there I did a play, and after that people from Mumbai, they came for some audition for a serial or something. So what happened is that I auditioned for that serial. Uske baad, the only two girls were selected in that. There were like 300-400 people there for audition. Two girls were selected. I still remember. It was me and my friend. And I don't know how suddenly they called me from Mumbai. They said, "You come and give us like look test and everything." I went there with my mom and dad. I went there. I gave a look test, and I got finalized for the role, main role. First audition, believe me, it was my first audition, and I got selected. But eventually, what happened was ki, that shoot got delayed. Serial got delayed, and after that I came back to Chandigarh. So जब मैं चंडीगढ़ आई, then I got to know कि अब वो शूट सीरियल अभी हो ही नहीं रहा है. तो मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे फिल्मी बॉक्स प्रोडक्शन से कॉल आया. कुछ आइडिया नहीं है मुझे. उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, आप बीए पास टू के लिए ऑडिशन दीजिए. और तब तक मैंने बीए पास देखी भी नहीं हुई थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ. मैंने देखी नहीं हुई थी, और एंड आई थॉट, आई लिटरली थॉट कि कोई एजुकेशनल फिल्म है. मतलब कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो आप, बीए पास को मैं सोच रही हूँ कोई एजुकेशनल फिल्म है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट लाइफ पे होगी. आई शुड गो एंड आई शुड ट्राई. मैं गई, मैंने स्क्रिप्ट सुनी, और स्क्रिप्ट अच्छी थी क्योंकि बोल्ड नहीं थी. बीए पास टू बोल्ड नहीं थी, तो बोल्ड नहीं थी. एंड 7 days मेरा ऑडिशन चला. ऑडिशन के बाद मैं मतलब मेरा रोल फाइनल हो गया. तो ये मेरा जर्नी था. मतलब मेरे पास स्ट्रगल था ही नहीं, लेकिन जो मेरा स्ट्रगल आया वो आया बीए पास टू के बाद. क्योंकि बीए पास टू के बाद मुझे 3 साल के बाद मैंने काम किया है. और इशू पता है क्या था? इशू ये था कि बीए पास टू में कुछ बोल्ड नहीं था, लेकिन जो उसका नाम है ना, उसने मुझे एक स्टीरियोटाइप उसमें डाल दिया कि मतलब शी इज ओके फॉर बोल्ड. तो उसके बाद इतने ऑफर्स आए हैं. मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे ऑफर्स नहीं आए, लेकिन मुझे इतने अच्छे प्रोडक्शन से भी ऑफर्स आए हैं, लेकिन सब बोल्ड के लिए आए थे, और वो मैं कंफर्टेबल नहीं थी. तो इस वजह से गैप भी हो गया, और फिर कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये मतलब पूरे 3 years मेरे ऐसे ही चले गए. सो नाउ आई एम कमिंग बैक.